नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के व्रत नियम पूजन अर्चन बतलाए गए हैं। इनका वैज्ञानिक रहस्य भी है और धार्मिक रहस्य भी है। फिलहाल में हम बात करते हैं आंवला नवमी की। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन, आंवले का सेवन और इसी का दान पुण्य करना एक विशेष फलदायी बतलाया गया है। आंवले वृक्ष की महिमा जहां एक ओर धार्मिक ग्रंथों में मिलती है तो वहीं दूसरी ओर जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य दोनों ही इसमें छिपे हुए हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन, अर्चन, सेवन और फिर उसके पश्चात निरोगता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य बतलाया गया है। ऐसे ही आंवला नवमी के अवसर पर मातृशक्ति ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया विधि विधान के अनुसार और फिर उसके पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर परिजनों के साथ भोजन ग्रहण किया। हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में, जहां किस प्रकार आयोजन हुआ, पूजन अर्चन हुआ, आइए हम आपको दिखलाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार पूजन अर्चन चल रहा है। यहाँ पर महिलाओं ने, मातृशक्ति ने पूजन अर्चन किया, भोजन किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और अब हम चलते हैं संस्कार धानी जबलपुर, जहां पर भी मातृशक्ति ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया और अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने क्या कहा, क्या बतलाया, आइए वह भी हम आपको सुनवाते हैं। चलते हैं संस्कार धानी जबलपुर रविंद्र वैष्णव के साथ, क्या रिपोर्ट उन्होंने वहां से तैयार की है, देखते हैं। क्या नाम है? आरती। आरती जल्दी आ जा। हां, वो दीप दान कर दे। तो दीप दान कर दो। आज आंवला नवमी की महिलाएं पूजन अर्चन करते हुए आंवले के वृक्ष की घर में सुख शांति का पूजन पाठ। अखंड सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ बुजुर्ग सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ अच्छा लगता है, वो यहाँ पे सुहाग का सामान दिया जाता है, बिंदी चूड़ी दिया जाता है यहाँ पे, और सब पेड़ के नीचे खाना खाते हैं। अच्छा लगता है, इसका महत्व एक अलग ही रहता है। आंवला नवमी के दिन आज साल भर हम लोग इस आंवला नवमी का इंतजार करते हैं। आज के दिन यहाँ पे भोजन बना कर लाते हैं, नीचे पेड़ के नीचे सब लोग भोग लगाते हैं, सबको एक दूसरे को प्रसाद वितरण करते हैं और सबको प्रसाद वितरण करके एक दूसरे को देते हैं। आंवला नवमी के दिन इसका बहुत महत्व है। आंवला अच्छा नवमी का महत्व है, पूजा आज के दिन पूजन करने से, उसके नीचे भोजन करने से बहुत फल मिलता है। और तो सुना आपने और देखा किस प्रकार की महिमा है। पूजन अर्चन किया जाता है विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक भी, वैज्ञानिक भी, चिकित्सा शास्त्र में वर्णित जो नियम है उनके तहत भी,
आरोग्यता प्रदान करने वाला यह वृक्ष और उसका पूजन, उसके फल का पूजन, फल का सेवन निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। देखते रहिए एनएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.